देते हुए वही कार्यकर्ता बीजेपी के और नफरत करना, नफरत पर कैसे आप मोहब्बत की जीत दिलाते हैं ये राहुल गांधी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस देश में बहुत सारे सपने, बहुत सारे वादे, बहुत सारे दावे, सब कुछ किए गए, लेकिन उन वादों, दावों, सपनों का क्या? और उसके साथ साथ उन सब के बीच अब नरेंद्र मोदी के सामने ये तीसरा चुनाव है। पहला टर्म जीत गए, दूसरा टर्म जीत गए, पहले 60 महीना मांगा, फिर 60 महीना और दिया, यानी 120 महीने हो गए, और अगले 60 महीने की दावेदारी पहले से नरेंद्र मोदी ने ठोक दी है। और उसके लिए पिछले 1.5 साल से, यानी लगभग महीनों में गिने तो 18 महीने कह सकते हैं, 18 महीने से वो इसमें लगे हुए हैं, इसलिए कि उनको बड़े बड़े फैसले लेने हैं। क्या संविधान बदलना है, सवाल लोग पूछ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा। खैर चलिए, लेकिन प्रशांत टंडन जी क्या कुछ कहेंगे, सवाल आपके सामने पहले से। देखिए राजीव जी, पहले तो SBI का मामला अनिल जी ने बहुत विस्तार से बता दिया कि 22,000 के लगभग बॉन्ड्स हैं, सील कवर में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को कह चुके हैं ये कि हमारे पास डेटा सील कवर है, मुंबई ब्रांच में है। और अब जब उनको कल यानी 6 तारीख को डेटा चुनाव आयोग को देना था, तो अब उनको दबाव पड़ा या क्या हुआ कि उनको कहना पड़ रहा है कि अभी हमको और टाइम लगेगा जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक SBI को राहत नहीं दी है। ADR जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है जी, वो ऑलरेडी कि हम SBI के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, इनको समय नहीं मिलने देंगे। कल शाम को 5 बजे तक अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है राजीव जी, अभी तक केवल इनकी पिटीशन ले ली है, उसको कोई स्टे नहीं किया है, अपने ऑर्डर को उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया है, तो अगर कल शाम को 5 बजे तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिस्ट अपनी नहीं देता है चुनाव आयोग को और इसकी घोषणा नहीं करता है, तो परसों सुबह सुप्रीम कोर्ट को खुलते ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के ऊपर कंटेम्प्ट का मुकदमा कर देना चाहिए। मुकदमा क्या, कंटेम्प्ट का दोषी करार कर देना चाहिए एक बार। तो ये तो कल शाम को 5 बजे तक अगर वो नहीं करते हैं तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला है, कंटेम्प्ट का मामला है, और सुप्रीम कोर्ट को इसमें कार्रवाई कर देनी चाहिए एक बात। दूसरी बात यह कि देखिए SBI जो कर रहा है एग्जैक्टली यही बातें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2018 में कही थी अपने ऑब्जेक्शन में कि SBI को नहीं दो ये स्कीम, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चलाना चाहिए स्कीम जी, क्योंकि SBI इसमें इस मामले की सीरियसनेस को नहीं समझ पाएगा। और वही हो रहा है, एग्जैक्टली वही हो रहा है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस वक्त चेताया था। उर्जित पटेल उस वक्त गवर्नर थे, अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा दे चले गए थे वो जी, किस वजह से गए थे वो आज तक पता नहीं है, लेकिन उनके कार्यकाल के समय ये हुआ था। तो एक तो ये कि मैं फिर से कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट के मामले में एक्सपोज है SBI अगर वो करते नहीं है तो। दूसरी बात तो जी राजीव जी ये है कि राहुल गांधी का जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, आज दिन में मैंने कई जगह से फीडबैक ली है, जो मुझे फीडबैक मिल रहा है कि राहुल गांधी ने जो अभी उत्तर प्रदेश की खासकर अपनी यात्रा के दौरान जो छात्रों पे और युवाओं पे फोकस अपना बढ़ाया है, इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट हो रहा है युवाओं में। और ये एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी, ऐसा वर्ग है राजीव जी जिसका जी, जिसके ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का अटेंशन नहीं था कि इन छात्रों पे क्या गुजरती है, जो कंपटीशन देने वाले बच्चे हैं उन पे क्या गुजरती है, पेपर लीक होता है तो क्या होता है, और इनके अभिभावकों पे क्या बीतती है, क्योंकि एक एक साल जब बीतता है तो वो
उनका करियर का और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और जो अपर लिमिट है तमाम सारी सरकारी नौकरियों को निकल जाती है। बीजेपी ने इनको क्या किया इन युवाओं के साथ, बीजेपी ने युवाओं को दंगाई बनाया, सोशल मीडिया पे इन लोगों को इनको ट्रोलिंग करने का जिम्मा दिया कि पत्रकारों को महिलाओं को आप ट्रोल करो जी। बीजेपी की ट्रेनिंग ये है कि इनको बजरंग दल में शामिल करवाया, इनसे भीड़ में घुसकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने की ट्रेनिंग दी इनको। ये हकीकत है राजीव जी, बिल्कुल। कल रात में कर्नाटक की पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, इसका नाम रवि है। कहां से गिरफ्तार किया है कर्नाटक ने, मांड्या से, और वो बीजेपी के कार्यकर्ता है और वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। ये एक साजिश कर्नाटक में चल रही है। वो भी कब कहां ये भी बता दीजिए, नासिर हुसैन के बाद जी, नासिर हुसैन की जीत, राज्यसभा में जीत के बाद ये नारे लगे और नासिर हुसैन के ऊपर ये लगा कि वो मुस्लिम है, अल्पसंख्यक हैं और देखिए इनकी जीत पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, मामला ये है। तो ये बीजेपी इस तरीके काम कर्नाटक में कर रही है, कर्नाटक में फिर से, और ये इनको सबक नहीं मिला कि कर्नाटक में एक साल तक आपने हिजाब और दुनिया भर के किए, वो एक लड़की मुस्कान नाम जिसका था उसके पीछे गुंडे की तरह भागे जी बजरंग दल के लोग, और इन सब के बाद भी चुनाव हार गया, और फिर वही आग आप कर्नाटक में लगाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम और ये सारी चीजें आप कर रहे हैं। खैर, कर्नाटक में की पुलिस अभी सजग है और वो काम कर रही है। बात यह है राजीव जी कि राहुल गांधी का जो युवाओं के प्रति, युवाओं के बीच में जो इम्पैक्ट है वो जबरदस्त है, और जैसा उन्होंने कहा बहुत जरूरी काम है कि युवाओं के लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए एक समग्र प्रोग्राम पॉलिटिकल पार्टी को लाना चाहिए जी। वो त्रस्त है पेपर लीक माफिया से, वो त्रस्त है कोचिंग माफिया से, अनरेगुलेटेड सेक्टर है कोचिंग माफिया, उनका नेक्सस है, वो करियर बर्बाद कर देते हैं बच्चों का, लाखों लाखों रुपए की फीस ले रहे हैं। तो ये माफिया से निजात पाए, पेपर लीक माफिया से निजात पाने के लिए, और युवाओं को एजुकेशन लोन की बात मैं कर रहा हूँ, एजुकेशन लोन का नाम है सिर्फ एजुकेशन लोन, वो एजुकेशन लोन की जो शर्तें हैं राजीव जी, वो एजुकेशन लोन हाउसिंग लोन की तरह नहीं है, या वो एजुकेशन लोन दूसरे लोन्स की तरह नहीं है, वो पर्सनल लोन है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पिस जाते हैं माँ बाप एजुकेशन लोन लेके। तो एजुकेशन लोन सरल हो और एजुकेशन लोन बहुत आसान हो, आसान किस्तों पे उसकी जो है वो लोन जो है रिकवरी हो जी। तो ये सब बातें कांग्रेस पार्टी को लार्ग लेकर आ रही है, वो मुझे बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि युवा सबसे ज्यादा, क्योंकि देश का भविष्य युवा के पास है और सबसे ज्यादा पिस रहा है युवा, और उसको आप दंगाई बना रहे हो, उसको आप ट्रोलिंग ट्रोल बना रहे हो।